मान रहीम, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है पेंसिल बॉक्स। उसके लिए हम कोई भी ग्लू वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे डिफरेंट कलर्स की, हमें 2 शीट्स चाहिए होंगी जिनकी मेयरमेंट होगी 21 बाय 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम मेयरमेंट कर लेंगे तो 21 बाय 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपल चाहिए होंगे, हमें कलर शीट चाहिए, कोई भी कलर शीट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा स्केल मेयरमेंट के लिए और पेंसिल मार्क के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एक साइड पे हम मार्क कर लेंगे। हमारे पास 21 बाय 21 सेंटीमीटर है तो हम इसको शीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 7 एंड 14 एंड 21। ठीक है, हम इसको 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पेंसिल की मदद से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे लाइक दिस। ऐसे रेडी कर लेंगे सारे पेजेस को, हम सेम ऐसे ही रेडी करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको फोल्ड कर लेंगे लाइक दिस। जहाँ से हमने पेंसिल से मार्क किया है सेम वही जगह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। लाइन लगाई है उनको हम सिंपल फोल्ड कर लेंगे लाइक दिस। उसके बाद दूसरी तरफ भी हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया इसकी अपोजिट साइड पे हम सेंटर में इसको फोल्ड करेंगे। ये सेंटर में हमने फोल्ड किया, उसके बाद जो हमने 3 पीसेस में डिवाइड की थी वो दूसरी साइड पर इस तरह से फोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, सेंटर में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। यहाँ भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे और सेम हम 4 कॉर्नर्स पे ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ भी इसको क्या करेंगे, इसको भी हम जहाँ से हमने इसको लाइंस लगाई है वहाँ से हम इसको एक क्रीज बना लेंगे। ठीक है, इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, यहाँ से हमने ये उठाया जो हमने सेंटर में फोल्ड किया, उसके बाद हमने इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ से भी फिर हम इसको अंदर की तरफ और यहाँ से फिर इसकी तरह ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये वाली क्रीज को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से भी सेम ये वाली क्रीज को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ठीक है, और बैक वाली साइड पे भी सेम हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे और सेम ऐसे ही फोल्डिंग करेंगे। तो हमारी फोल्डिंग कुछ इस तरह से आ जाएगी, हमारा पेपर कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पे ये वाली शीट आपको नज़र आ रही है, यहाँ जितनी शीट यहाँ पे आ रही है वहाँ तक हमने इस पेपर को बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और सेम दूसरी तरफ भी हम यहाँ ऐसे करेंगे कि ये वाली जो हमारे पास ये पेपर आ रहा है यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, पेपर को फोल्ड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बॉक्स भी हमने सेम इसी तरह रेडी कर, जैसे कि हमने ये सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक शीट लेनी है। हम एक पीस लेंगे और इसको हमने क्या करना है, ये देखिए इसको ये चीज़ एक हम सीधा रखेंगे। ठीक है, ऐसे, और एक चीज़ नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और इसको ये वाले पॉइंट को हमने इस पॉइंट के अंदर इसको क्या करना है, एंटर कर देना है लाइक दिस। ठीक है, ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के अंदर एंटर कर देंगे ऐसे, और नीचे से भी हमने सेम ऐसे ही करना है, इसके अंदर ये वाले जो हमारे पॉइंट हैं इसके अंदर इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा रेडी। उसके बाद जब जो हमें साइड पे ये ऐसे, तो ये हमारे पास पेंसिल बॉक्स रेडी है। पिंस भी रख सकते हैं, पेंसिल शॉर्पनर, जो भी छोटी चीज़ें हैं हमारी उसके लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं और ये इजीली रख भी सकते हैं, और बहुत ही प्यारा है ये। तो आप भी बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।